हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू वीडियो। पर बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में आ रहा है बेल बटन, उस घंटी को भी दबा लें। आज का वीडियो होने वाला है फेसेस मैग्नेटाइज काजल का रिव्यू। मैंने इस काजल को पिछले 3 महीने से लगातार इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ और भी 2 काजल मैंने इस्तेमाल किया है, पर उन काजल के मुकाबले ये थोड़ा सा हटके है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मेरे पास आया था, बट आई हैव लॉस्ट दैट पैकेजिंग। बट एट प्रेजेंट आई हैव ओनली दिस पेन और सॉरी पेंसिल। इट कम्स इन दिस रोल ऑन फॉर्म। तो आपको करीब से इसका जो आउटर पैकेजिंग है वो दिखा देती हूँ। इट कम्स इन अ रेड कलर प्लास्टिक पैकेजिंग। लाल कलर की जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो मुझे खास पसंद है। सारा का सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम जो है अच्छी तरह से मेंशन किया गया है। मैग्नेटाइज काजल लास्ट वाला ये थोड़ा सा हटके है। सॉरी फॉर माई नेल पॉलिश, मैंने पिछले हफ्ते ही इसको लगाया था और अब ये मेरे उंगली से थोड़ा सा हट गया है। खैर जाने दीजिए, कम टू द पॉइंट। यहाँ पे फेसेस का जो ब्रांड है वो मेंशन किया गया है। सारा का सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे लिखा गया है। मैं अपनी खुली आंखों से जितना देख सकती हूँ उससे मुझको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है ये प्रोडक्ट जो है ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है एंड डर्माटोलॉजी टेस्टेड है। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज 0.35 ग्राम। ऑल द एसेंशियल थिंग्स जैसे कि मैन्युफैक्चर डेट, कहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुआ है, इसका सेल्फ लाइट, यहाँ तक कि बैच नंबर भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया गया है। इसको मैं इस तरह से ओपन करूंगी, आप देख सकते हैं इसके मुंह के पास प्रोडक्ट जो है लग गया है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैंने इसको काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये कुछ इस तरह का रोल ऑन स्टिक में आता है, मैं इसको घुमा ही रही हूँ और फिर आखिर में जाके लास्ट वाला प्रोडक्ट जो है निकल के आया है। आप देख सकते हैं बहुत ही लिटिल अमाउंट प्रोडक्ट जो है बचा है। एक्चुअली मैं लास्ट 3 मंथ से इसको लगातार इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं, सिर्फ इसको नहीं, मैं इसके साथ और 2 काजल को भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी रिव्यू आएगा। इसका सेल्फ लाइफ जो है 3 साल। 0.35 ग्राम इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है 179 पर पर्पल पे या फिर अमेजोन पे या फिर नायका पे आपको इसको कभी कभी 5 से 10% के डिस्काउंट में भी अवेल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अब तक इतना ही प्रोडक्ट जो है बचा है, मैं अब इसको अपने हाथों पे मार्क करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी से ये एक ही स्ट्रोक में इतना अच्छा एक पिगमेंटेड लाइन जो है देता है। 2-3 स्ट्रोक में आप क्रिएट करूँगी, पर आपको धीरे से ही ये करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो कार्बन है वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये कोहल बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला है। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो लाइट हाथों से ही एप्लीकेशन कीजिएगा। बाय द वे, आपने मेरा ये ईद मेकअप ट्यूटोरियल देखा है ना, क्योंकि मैंने ये जो लुक क्रिएट किया है थोड़ा सा विंग वाला, बहुत ज़्यादा नहीं, बस लिटिल बिट विंग वाला, ये लुक भी मैंने यही काजल इस्तेमाल करके ही क्रिएट किया है। तो मैंने अपने हाथों पे ये दोनों लाइन ड्रॉ किया है इस सेम काजल से। ये सिंगल लाइन जो है ज्यादा फेड नहीं हुआ है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स पे मैंने जो लाइन क्रिएट किया है वो एरिया जो है वो कुछ हद तक फेड हो गया था। ज़्यादा लेयर मुझे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ सिंगल लेयर अगर मैं अप्लाई करूंगी तो ये बहुत देरों तक टिका रहेगा और साथ ही साथ आंखों में किसी भी तरह का स्मचनेस की प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जबरदस्त पिगमेंटेड एक काजल है तो मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है। ये काजल बहुत देर तक मेरी आंखों पर रहता है, करीबन 5 घंटे तक ये मेरी आंखों पर इजिली रह जाता है। पर हाँ, अगर मैं सिंगल स्ट्रोक लगाती हूँ तभी। इस काजल के अंदर विटामिन है जो कि मेरी आंखों के लिए खास करके बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। इसका कलर पिगमेंटेशन एकदम ही जबरदस्त है, एक ही स्ट्रोक में आपको एक डार्क ब्लैक पिगमेंटेड शेड जो है मिलेगा।
ये काजल जो है एकदम क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और इसके अंदर किसी भी तरह का हार्मफुल पैराबिन नहीं है, यानी कि ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट होने के साथ साथ पैराबिन फ्री प्रोडक्ट भी है। और एक बात, ये जो आंखों पे मैंने लगाया है ना, ये काजल देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आपकी आंखों में एक मैट फिनिश लुक देता है। हाईली पिगमेंटेड इस काजल में विटामिन के साथ साथ मिनरल ऑयल्स एंड थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। जैसे कि ये क्लेम कर रहा है कि ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, तो मैंने इसको लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल किया है और मैं कह सकती हूँ हाँ, मेरे आंखों में ये टोटली सेफ था। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। अगर आपको मेरा ये रिव्यू जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है या फिर किसी भी तरह का सुझाव है इस चैनल के बारे में, वो भी कॉमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख डालिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के पास वापस आती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।